ओम शांति। 4-12 के अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। आज के महावाक्यों में बाबा ने सभी अव्यक्त मूर्त बच्चों को देखा और बोले, नंबर एक, सभी बच्चे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण कर रहे हैं। यही है समान बन बाबा के स्नेह का सबूत देना। तो सबूत देने वालों को ही सपूत कहा जाता है। नंबर दो, जो सपूत बनने की हिम्मत रखते हैं तो हिम्मतवान बच्चों को बाबा एक्स्ट्रा मदद देता है। ऐसे बच्चों की निशानी क्या होती है? उनके लिए दिल के स्नेह की दुआओं के भंडारे भरपूर होते हैं। जैसे बाबा के लिए कहा जाता है भोलेनाथ के भंडारे भरपूर, तो उनके लिए भी दिल से यही गीत बजता है, ऐ प्राप्त नहीं कोई वस्तु। नंबर तीन, जो बच्चे स्वतः शिव बाबा की मदद के पात्र बनते हैं, उनकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। ऐसे बच्चे बाबा के साथी भी हैं तो बाबा के साथ भी हैं। नंबर चार, जो बच्चे साथी और साथ का अनुभव स्वतः ही करते हैं वो बाप समान साक्षी अर्थात न्यारे और प्यारे बन जाते हैं। बाबा कंबाइंड है, उनको कोई अलग कर नहीं सकता। वह सदा समय परमान सहयोगी रहते हैं, गुण और शक्तियों के राज्य अधिकारी होकर के रहते हैं। नंबर पाँच, सपूत बच्चों की सेवा का स्वरूप क्या है? वह अन्य आत्माओं को बाबा द्वारा प्राप्त हुए गुण और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग और प्राप्ति का अनुभव कराते हैं। निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना करके यही सेवा करने का कार्य वे करते हैं। नंबर छः, बाबा ने सभी बच्चों को सब कुछ दे दिया है, सिर्फ हमें लेना और कार्य में लगाना है। क्योंकि जितना देते जाएंगे उतना हम संपन्नता को प्राप्त करते जाएंगे। फिर ऐसा अनुभव होगा जैसे लौकिक माँ बाप अपने हाथों पर बच्चों को नचाते हैं, तो वह सदा खुश रहते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं और उमंग उत्साह के कारण उड़ते और दूसरों को भी उड़ती कला से उड़ाते रहते हैं। नंबर सात, देखो उड़ती कला हो या गिरती कला, इसके लिए दो ही आधार हैं, एक है भाव, दूसरा है भावना। अब पांच प्रकार की भावना, नंबर एक, सर्व के प्रति कल्याण की भावना, नंबर दो, कोई कैसा भी हो स्नेह और सहयोग देने की भावना, नंबर तीन, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, नंबर चार, सदा अपनेपन की भावना, नंबर पाँच, आत्मिक स्वरूप की भावना, जो कि सबका ही फाउंडेशन है। नंबर आठ, कई कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग माना माया का दरवाजा। बाबा ने कहा अपनी भावनाएं श्रेष्ठ रखो तो सब ठीक हो जाएगा। भावना भी भाव के अनुसार होती है, एक होती है अशुद्ध भावना, दूसरी होती है व्यर्थ भावना, तीसरी होती है साधारण भावना, पर इसको हम चेंज कर सकते हैं। शुभ भावना जो है उसके द्वारा मनसा सेवा अच्छी होती है, मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है शुभ भावना। तो हरेक अपने प्रति ये सोचे मैं सबके लिए श्रेष्ठ भावना रखता हूँ, जो सबके लिए श्रेष्ठ है वह माला का दाना है। नंबर नौ, शुभ भाव वाला सदा सबको सुख देगा और सुख लेगा, ये सेवा भाव आगे नंबर का अधिकारी बन जाते हैं। बड़े बड़े भाषण जो करते हैं वो भी सेवा है, अगर उनका चांस ना भी मिले तो यह गोल्डन चांस है मनसा सेवा, ऐसे चांसलर अर्थात विशेष आत्मा बन जाते हैं। इस वर्ष शुभ भावना, शुभ भाव को धारण करने का विशेष अटेंशन देना। नंबर दस, अशुभ भाव और अशुभ भाव ये दोनों को ही हम श्रेष्ठ भाव और श्रेष्ठ भावना में परिवर्तन करें। क्योंकि देखो जैसे गुलाब का फूल होता है, वो खाद जो होती है बदबू वाली उसमें से भी खुशबू उठा करके खुशबूदार गुलाब बन जाता है,
अब ये नहीं कहना कि इनके कारण मेरा भाव बदल गया, मेरे को ये समझते ही खराब है, इनकी भावना मेरे लिए है ऐसी। अरे आप तो विश्व परिवर्तक हो, तो भाव और भावना परिवर्तन करो। अच्छा, आज का वरदान, ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज इज माइट, माइट कहा जाता। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में नहीं रह सकती। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञानी तो आत्मा किसी भी रॉन्ग कर्मों के, संकल्प के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकती। स्लोगन, हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाबा के साथ कंबाइंड होकर के रहो। स्वमान है, मैं लाइट माइट सब रूप आत्मा हूँ।